कार्यक्रम आंखें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ ढेर सारी बातों के लिए आज के इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर। ले चलेंगे आपको नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा पर और साथ ही चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम की। स्त्री जीवन का आधार है, स्त्री पुरुष का आधा हिस्सा है। दाम्पत्य जीवन स्तंभ की जननी है स्त्री, जो पोषण करती है आने वाली नस्लों का, संवारती है आज और आने वाले कल को, जिसके बारे में ना जाने कितनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है। यहाँ तक कि धरती को भी हमने माँ नारी का एक रूप जैसी संज्ञा दी है। ये सारी बातें दिल को कितना सुकून देती है, परंतु आज जो हालात स्त्री की है वो हमें यह सोचने पर विवश कर देती है। उसके साथ हो रहे अपराध कुछ और ही कहानी कहते हैं। हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसा रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 1998 में ये जानकारी दी थी कि वर्ष 2010 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा हो जाएगी। बात अगर सरकारी आंकड़ों की करें तो इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की गई अपराधों की कुल संख्या का आधा हिस्सा कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से संबंधित था। इसमें खास तौर पर उनके साथ पुरुषों द्वारा धोखे की बात बहुत ज्यादा थी। बहुत से लोग महिलाओं के खिलाफ होती इन घटनाओं के लिए पश्चिमी संस्कृति को दोष देते हैं। लड़कियां कभी भी किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ना चाहती है तो उनके साथ सबसे पहला पड़ाव और सबसे पहला कदम ये उठता है लोगों के नज़र में कि तुम इसके लिए क्या करोगी। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, मैं तुम्हें ये पोजीशन दूंगा, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी नॉलेज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। शर्तें क्या होती है? तो शर्तें बस एक ही चीज़ होती है कि लड़कियों की इज्जत पर बात आती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। एक रिलेशन अगर कहा जाए तो एक रिलेशन बनाने का मसला सामने आता है, और अगर वो मानती नहीं है तो फिर उनके साथ बहुत तरह की परेशानियाँ आती है उस फील्ड में। तो देखा जाए तो दरअसल सारी जगहों पे हर क्षेत्र में, मतलब आपको लड़कियों को लेके ये चीज़, ये धारणा मर्दों के मन में आती है कि चलो मैं ऐसे कैसे मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँ, अगर इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की परेशानियाँ मतलब आती ही रहती हैं। अगर किसी से मिला जाए तो लोग शेयर नहीं करती, महिलाएँ शेयर नहीं करती हैं किस तरह की परेशानियाँ आती है, लेकिन ये आती है, ये मुझे मानना है और मेरा ये मानना है कि ऐसा होता है। किसी ने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ ये घटना घटी, तो शुरू में तो पहले उसी को दोष दिया जाता है कि नहीं तुम ही दोषी होगी, तुम ही ने ऐसा किया होगा, तो ऐसा किया होगा।
जब तक वो साबित नहीं कर पाती है कि हाँ हमने मतलब मैंने मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ पहले मेंटली हमको परेशान किया कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा, फिर उसके बाद हमको फिजिकली भी तंग किया, जब तक वो साबित नहीं करती है तब तक उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, इसलिए चाहिए कि ऑफिस में एक काउंसलर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो जाकर अपनी बात कह सके कि जिसको लोग सुन सकें, समझ सकें कि हाँ ये सही कह रही है। वर्ष 1997 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत पक्ष लिया था। दहेज, इसने भी महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और अपराध के मामलों को काफी हद तक बढ़ाने में मदद की। वर्ष 1997 की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के कारण प्रत्येक वर्ष कम से कम 5,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। ये पूर्णतः सामाजिक विसंगति है और भौतिक संसाधनों के प्रति लोगों का लालच जो दहेज के शक्ल के रूप में नजर आता है। डाउरी में ये था कि हम लोग उसको गलत, उसको प्लेसमेंट हम लोग ने गलत कर दी कि हम लोगों ने डाउरी दी कि एज इंसेंटिव फॉर समबडी टू मैरी माई डॉटर, दैट वॉज नॉट यू नो पुट इन दैट पर्सपेक्टिव कि इट इज़ हर शेयर ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी, इस तरह से नहीं करके इसको हम लोगों ने इंसेंटिव बना दिया कि फॉर द बॉय टू मैरी द गर्ल, ये पर्सपेक्टिव भी बदल गया। तो ये जो इंसेंटिव जो होता है वो तो किसी भी रेंज तक जा सकता है और वाकई लोगों को मुश्किलें सामना करनी पड़ती है फॉर द फॉर ऑल अरेंजमेंट ऑफ द डाउरी। बड़े घर में है लड़की तब तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका परिवार बड़ा है, लेकिन जहाँ मिडिल फैमिली क्लास के फैमिली है फिर लोअर है, तो वो लड़कियाँ कहाँ जाएंगी क्योंकि उतना सक्षम नहीं है माँ बाप देने के लिए, और उनको भी तो अच्छे लड़के चाहिए। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वो लोग हो जाते हैं। बड़े घर के जो होते हैं वो अपनी लड़कियों की अच्छी जगह शादी करते हैं, अच्छे दे करके करते हैं दहेज और, लेकिन जहाँ मिडिल फैमिली हो लोअर जो हो वो लोग परेशान, उसके कारण वो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ से दे पाएंगे। नित नए बन रहे कठोर नियमों के कारण इसमें प्रत्यक्ष कमी तो आई है, लेकिन अब ये अप्रत्यक्ष रूप से लिया और दिया दोनों ही जा रहा है। विवाह समाज की ये थोपी हुई परंपरा जिसने महिलाओं के प्रति अत्याचारों को बढ़ावा ही दिया, बहुत ही कम उम्र में होते ये विवाह महिलाओं को उनके शारीरिक एवं मानसिक शोषण को दर्शाता है। बहुत ही कम उम्र में लड़कियों का मां बन जाना जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए चिंता की बात है। आज हम सभी जानते हैं इस परंपरा ने न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक शोषण किया बल्कि उनको मानसिक रूप से कष्ट दिया। पोते की चाहत बहु लड़का ही होना चाहिए जैसे वाक्य हम अपने परिवार आस पड़ोस से हमेशा सुनते आए हैं। कहीं न कहीं ये अंधी चाहत बनी कारण कन्या भ्रूण हत्या, पैदा होते ही बच्चियों को मार देने जाने जैसी घटनाओं की। भारत में लिंगानुपात बहुत अधिक है जिसका मुख्य कारण ये है कि कई लड़कियां वयस्क होने से पहले ही मारी जाती हैं। हालांकि जनजातीय समाज में अन्य सभी जातीय समूहों की तुलना में पुरुषों का लिंगानुपात कम है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पुरुषों का उच्च स्तरीय लिंगानुपात कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण संबंधी सोच गर्भपात के लिए कारण है। जन्म से पहले लिंग परीक्षण के कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन ये आज भी हमारे समाज में चल रहा है। हाँ, इसके रूप अलग हो गए हैं। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इसके अलावा घरेलू हिंसा ने भी महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। बात बात पर होती मारपीट, तनाव और अवसाद ने परिवार की कड़ी को कमजोर बनाने का काम किया है।
और उनका सबसे अधिक दंश महिलाओं ने झेला, आखिर कब तक ऐसा होगा? हम दुनिया और समाज को इन सब में क्या देना चाहते हैं? महिलाएं जो आधी आबादी हैं, उसे हमारा समाज और हम किस रूप में देखना चाहते हैं, ये तो हमें अब तय करना ही होगा। जिंदगी जीने का हक उसका भी है, आइए उसे भी सम्मान से जीने दें। तो देखा आपने, आज भी हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास में। कार्यक्रम आंखें के प्रोड्यूसर गौरव सिंह और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि यह आगे बढ़े और इसका नाम रोशन हो। कार्यक्रम आंखें से जुड़े हुए टीम के जितने सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जिस तरह यह आंखें कार्यक्रम सामाजिक उत्थान के लिए जो लोगों में जागरूकता फैला रही हैं, इसके लिए मैं आंखें कार्यक्रम को और उनके सारे टीम को ढेर सारी शुभकामना देता हूं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जैसा कहा था कि आपको लिए चलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास में। ज्ञान की स्थली बिहार, भारतवर्ष को जगत गुरु बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब ज्ञान और शिक्षा की बात हो तो याद आता है प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इस महान शिक्षण केंद्र को बाल के गर्भ से पुनः वापस लाने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए लौटते हैं इस नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत में और जानते हैं इसके इतिहास को। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी में की। इस वंश के पतन के बाद भी अन्य आने वाले शासकों के द्वारा ये पोषित होता रहा, विशेष तौर पर सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का नाम उल्लेखनीय है। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय को सहायता सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा भी मिलती थी। ये एक सेतु था जो बाह्य जगत से जोड़ता था। ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। ये पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। प्रवेश हेतु एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मठों की कतारें और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थीं। अभी तक खुदाई के दौरान 13 मठ मिले हैं, लेकिन आशंका है कि और भी अधिक मठ मिलेंगे। ये मठ बहुमंजिले हुआ करती थीं, जिनके कमरों में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी, दीपक, पुस्तक और अन्य सामान रखने के लिए आले बने हुए थे। हर मठ के आंगन में कुआं होता था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा यहाँ सुंदर बगीचे तथा झीलें भी हुआ करती थीं। इस नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जिनका निर्वाचन भिक्षुओं द्वारा होता था। कुलपति ये पूरा प्रबंधन 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से करते थे। प्रथम समिति शिक्षा और पाठ्यक्रम का कार्य देखती, वहीं दूसरी ओर द्वितीय समिति विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था
और प्रशासन संभालती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती और इसी से विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्यों की 3 श्रेणियां थीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमित और स्थरमती प्रमुख थे। यहाँ प्रवेश हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जो अत्यंत ही कठिन थी, जिनके 3 स्तर थे। साथ ही साथ शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन भी इन्हें करना होता था। यहाँ मायायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग्य तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं के साथ वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। योग शास्त्र, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम का हिस्सा था। यहाँ एक विशेष विभाग था, खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु। यहाँ 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। यहाँ छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी, उनकी शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें करीब 10,000 विद्यार्थियों और 2,000 अध्यापकों की संख्या थी। यहाँ सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी आते थे। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी इस विश्वविद्यालय के लिए विपदाओं का सैलाब लेकर आई, जिसमें ये पूर्ण रूपेण डूब गया। इस पर पहला आघात हुग शासक मेहर बुल द्वारा किया गया। 1299 तुर्क आक्रमण, बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। अंधेरा छा गया, लेकिन अभी भी रोशनी बाकी है। ये इतिहास हमारे साथ जिंदा है और सदैव जिंदा रहेगा। वाकई भारत को जगत गुरु बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे गर्मी पर। आखिर कार्यक्रम के तहत नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी टीम को शुभकामना और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को नई स्वरूप में और सकारात्मक चीज़ों को सामने लाने के लिए मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है यह जान करके कि आखिर कार्यक्रम दोबारा आ रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि यह बहुत ही ऊंचे स्तर तक जाए और इसका बहुत बड़ा नाम हो। आंखे की पूरी टीम के लिए मेरी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जाड़े का मौसम जा चुका है और बसंत भी हमें छोड़कर बंद पंखे फिर से चलने लगे हैं। प्यास बढ़ने लगी है, मन करता है दिन भर पानी में रहें। चश्मे के बाजार रौनक हो चुके हैं, आप हमारा इशारा समझ रहे हैं ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम की। इस मौसम में क्या करें, क्या ना करें, कैसे अपना बचाव करें, इसी की जानकारी आज हम आपको देंगे। चिलचिलाती धूप, यहां वहां छांव में दुबके लोग, प्यास से बेहाल मनुष्य और जीव जंतु, सुनसान सड़कें,
ऊपर चलता पंखा और उसके नीचे लोग, कुछ ऐसा ही नजारा देखा आपने। ये है मौसम का मिजाज और मौसम है गर्मी का। अब तो रातें छोटी और दिन बड़े हो रहे, आम तौर पर यही पहचान होती है गर्मी की। रात कब किधर निकल जाती है पता ही नहीं चलता, और दिन है कि ढलने का नाम न ले। जब सूर्यदेव अपने पूरे शबाब पर आते हैं तो सच मानिए आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तापमान इतना अधिक होने लगता है कि बाहर निकलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। तभी तो देखिए दिन के इस समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग आमतौर पर बाजार देर शाम या रात में जाते हैं। हमने भी बाजारों में घूमकर जानने की कोशिश की कि गर्मी का यहाँ क्या असर है। पहले गर्मी महसूस इसलिए नहीं होती थी कि इतना ना पेड़ पौधा था कि हर जगह बाग बगीचे में आदमी बैठते थे। पेड़ पौधा कटते जा रहा है, अब उतना लग नहीं रहा है। इसके वजह से यहाँ तो थोड़ा है कि चारों तरफ वृक्ष लग रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ हवा मिल रहा है। गर्मी से आदमी बच्चे सब परेशान है, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एकदम थके रहते हैं। हर गरीब आदमी के पास सुविधाएं है नहीं, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, इतना धूप है, जो पेट है, पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता बाहर। पेट अगर नहीं रहता तो घर ही लोग पड़े रहते, अगर हम नहीं कमाएंगे मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा। ऐसा नहीं कि बाजार में रौनक नहीं, रंग बिरंगी टोपियां, चश्मे की दुकानें सज गई हैं, बस गर्मी की वजह से लोग कम हैं सड़कों पर। धूल से भरी शुष्क और गर्म हवा पूरे दिन चलती रहती है। मवेशी, खास तौर से भैंस, जहां मौका मिला बस पानी के अंदर। अब तो इनका निकलना दिन में, वो भी पानी के बाहर, बिल्कुल नहीं। ये मौसम बेहद थका देने वाला और अगर खुद का ध्यान न रखा जाए तो बीमार होना बहुत ही आसान, क्योंकि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, डायरिया, हैजा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आसानी से आपको अपना शिकार बना लेंगी। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम इस मौसम का भी मजा ले सकते हैं और खुद को सही सलामत रख सकते हैं। इस मौसम में आरामदायक सूती कपड़े पहने। चूंकि ये गर्मी का मौसम है इसलिए ठंडे पदार्थ और फलों से भरे पड़े हैं, अतः ठंडे पदार्थ खाना और पीना जरूरी है। इस मौसम में लू न लगे इसलिए प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, इससे शरीर में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। यदि संभव हो तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पारा बैगनी किरणों का विशेष प्रभाव रहता है। कोशिश करें कि पानी को कम बर्बाद करें। गर्मी का असर मनुष्य और पशु पक्षी दोनों पर बराबर पड़ता है, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों के लिए अपने बालकनी या गलियारे में थोड़ा सा पानी और अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें पेड़ों की उपयोगिता खास तौर पर समझ में आती है, अतः हमें पर्यावरण को बचाने हेतु अपने आसपास ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। ये वृक्ष जहां शोभा बढ़ाते हैं वहीं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं और हमें देते हैं छांव, फल और लंबे जीवन का आशीर्वाद। तो ये थी आज की हमारी प्रस्तुति। कार्यक्रम आंखें के अगले अंक में हम फिर से आपके साथ होंगे कुछ नई बातों के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।